गुड मॉर्निंग क्लास। आज फिर न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने हैं और आज का टॉपिक है हमारा सी थ्री प्रॉन्स, सी फोर प्रॉन्स एंड द कैम प्रॉन्स। जो हमने लास्ट डे सीखा अबाउट द डार्क रिएक्शन, जिसमें हमने एक दफा डार्क रिएक्शन चलाकर हमने एक जी ए थ्री पी बनाया था, और फिर हमने ये बताया था आपको कि अगर इस तरीके से बार बार डार्क रिएक्शन चलती रहे तो इन जी ए थ्री पी में से प्लांट जो है वो फॉस्फोरस को अलग करके इन सी थ्री को सी थ्री के साथ मिलाकर, फिर और इसमें सी थ्री मिलाकर ये आहिस्ता आहिस्ता स्टार्च बनाना स्टार्ट कर देता है। अगर प्लांट को फॉरन एनर्जी की जरूरत नहीं होती तो, और ये काम क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता रहता है। आज का जो टॉपिक है वो इसी के बाद, जो हम अगर बुक में देखें तो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ कार्बन फिक्सेशन के नाम से ये टॉपिक है, जिसमें ये तीनों बातें आती हैं कि हमारे पास जितने भी प्लांट्स हैं वो टोटली डिवाइड किए जाते हैं इन तीन ग्रुप्स के अंदर, सी थ्री प्लांट्स के अंदर, सी फोर प्लांट्स के अंदर और कैम प्लांट्स के अंदर। मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स जो है वो हमारे पास सी थ्री प्लांट्स हैं। अब ये सी थ्री प्लांट्स कौन से हैं, जिनके स्टोमेटास जो हैं वो नॉर्मली आमतौर पे काफी ज्यादा खुले हुए होते हैं दिन के टाइम पर। उनका रीजन ये है कि उनको ज्यादा से ज्यादा CO2 चाहिए, या वो प्लांट जिनके अंदर डार्क रिएक्शन के दौरान जो है या लाइट रिएक्शन के बाद पहला बनने वाला जो मॉलिक्यूल है वो कार्बन थ्री कंटेनिंग हो। जैसे हमने पहले जो हमारी वीडियोस थी उसमें हमने देखा था कि एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के बाद REBP के अंदर जो पहला बनने वाला मॉलिक्यूल था वो हमारा C3 था। इफ यू रिमेंबर G3P, दिस मॉलिक्यूल वॉज कंटेनिंग 3 कार्बन। तो आमतौर पे हमारे पास जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें ज्यादाती उन्हीं प्लांट्स की है जिनमें पहला बनने वाला जो मॉलिक्यूल है वो उनका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कार्बन 3 कंटेनिंग होता है। इसीलिए हम उन प्लांट्स को नाम देते हैं C3 प्लांट्स का। और जो कल हमने डार्क रिएक्शन खत्म की है, या जिससे पहले वाले वीडियो में हमने डार्क रिएक्शन को समझा था, तो हमने डार्क रिएक्शन को अब एक और नाम से भी जानना है, वो नाम है C3 साइकिल। जबकि हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनमें लाइट रिएक्शन के बाद फॉरन से डार्क रिएक्शन नहीं चलता, बल्कि उस डार्क रिएक्शन से पहले एक और साइकिल चलती है। इसके अलावा हमारे पास तीसरे प्लांट कैम प्लांट्स हैं, जो अपने स्टोमेटास जो हैं दिन के टाइम पर बिल्कुल भी नहीं खोलते। तो यू कैन कैटेगराइज द प्लांट्स इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1, दोस प्लांट्स विच एट डे टाइम कंप्लीटली ओपन देयर स्टोमेटा फॉर द नॉर्मल अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, नॉर्मल अपटेक का मकसद है कि आपको यहां पर 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल चाहिए, तब जाके आप एक दफा डार्क रिएक्शन चला पाएंगे। तो पहले जो हमारे किस्म के प्लांट हैं जिनको हम C3 प्लांट्स कह रहे हैं, ये वो प्लांट्स हैं जिनके स्टोमेटास ड्यूरिंग डे टाइम पर खुले हुए होते हैं और काफी वाइड तौर पे खुले हुए होते हैं। इफ यू रिमेंबर स्टोमेटा, इट इज मेड अप ऑफ द 2 गार्ड सेल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 गार्ड सेल्स मस्ट बी वेरी वाइड इन ऑर्डर टू टेक कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द लीफ, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर जो मेसोफिल सेल्स हैं उन मेसोफिल सेल्स में जो हमारे क्लोरोप्लास्ट हैं उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो हमारा स्ट्रोमा एरिया है वहां चलने वाली डार्क रिएक्शन में हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। तो C3 प्लांट्स वो हैं जिनके स्टोमेटास दिन के टाइम पर
काफी ज्यादा खुले हुए होते हैं फॉर द सेक ऑफ अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द प्लांट एंड टू टेक आउट ऑक्सीजन आउट ऑफ द प्लांट बिकॉज प्लांट के पास जो दिन में आने वाली चीज है वो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड है क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन को वो एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर भेज देता है। तो ये हो गया पहले किस्म के प्लांट जो कि अपने स्टोमेटास को दिन के टाइम पर काफी ज्यादा खोले रखते हैं। रीजन उनका ये है ताकि बाहर से CO2 उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा आ सके और वो अपनी लाइट रिएक्शन के बाद फॉर्म से डार्क रिएक्शन चलाए। अब आते हैं हमारे C4 प्लांट्स पर। ये वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर स्टोमेटास जो है वो आमतौर पर इतने ज्यादा वाइड नहीं खुले हुए होते बल्कि पार्शली ओपन होते हैं या कम खुले हुए होते हैं, यानी जो दो गार्ड सेल्स के दरमियान का डिस्टेंस है, the distance between the two guard cell is narrow. तो you can say कि इन दोनों these are the two guard cells and these guard cells they make up stomata or stoma. So this space must be very much wide and this is wide in the C3 plants. But this is a kind of a narrow gap in the stomata, in the stoma or the stomatas of the C4 plants. तो इनको जो है वो light reaction के बाद एक और cycle चलानी पड़ती है। फिर उस cycle की मदद से वो अपनी carbon dioxide को produce करते हैं या आप यूँ कह लें कि वो अपनी carbon dioxide को directly fix नहीं कर पाते। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारी thylakoid है वहां से जो ATP और NADPH आ रहे हैं वो इस खाली जगह जो स्टोमा है यहाँ पर CO2 को फिक्स करवाने में मदद दे रहे हैं। और फिर हमने जो देखा कि कल जो लाइफ साइकिल जो साइकिल चल रही थी वो आमतौर पे चलती रहती है, लेकिन C4 प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। उनको नेचुरली जो है उनके स्टोमेटास जो है वो बंद रखे जाते हैं बिकॉज उनके अंदर जो पानी का एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा सा कम होता है या वो उन एरियाज में पाए जाते हैं जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो आपके पास C4 प्लांट्स वो हो गए जिनके स्टोमेटास C3 प्लांट्स के मुकाबले में थोड़े से कम खुले होते हैं। अब आ जाते हैं हमारे तीसरे प्लांट्स जिनका नाम कैम प्लांट्स है। ये अपने स्टोमेटास दिन के टाइम पर बिल्कुल भी ओपन नहीं करते बिकॉज ये ऐसे क्लाइमेट के अंदर पाए जाते हैं जहां पर टेम्परेचर इमेंस हुआ करे या नॉर्मल से काफी ज्यादा हुआ करे, जैसे हमारे डेजर्टियस एरियाज हैं जहां पर टेम्परेचर जो है वो हमारे ट्रॉपिकल एरिया से थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। और दूसरा रीजन ये है कि वहां की जो लैंड है वो भी ड्राई होती है तो पानी वैसे ही इनके पास कम होता है, इसलिए जो है पानी इनसे ज्यादा एवोपोरेट ना हो जाए क्योंकि एब्जॉर्प्शन भी कम है और एब्जॉर्प्शन कम और एवोपोरेशन अगर ज्यादा हो जाए तो फिर प्लांट को पानी की कमी का सामना होता है। तो इसी जो बात है उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे ये जो डेजर्टियस प्लांट्स हैं कैम प्लांट्स वो अपने स्टोमेटास को कंप्लीटली दिन के टाइम पर बंद रखते हैं। तो फिर ये अपनी डार्क रिएक्शन कैसे चलाते हैं क्योंकि लाइट रिएक्शन जो है उसका स्टोमेटा से कोई कनेक्शन नहीं है। Light reaction is only connected with the sunlight and the water. जो सारे प्लांट्स में आ रहा होता है तो light reaction is not connected with the opening and closing of stomata. अलबत्ता जो हमारा dark reaction चल रहा है वो जरूर हमारे stomata से connected है because dark reaction is all about to fix the carbon dioxide. और वो plants जिनके स्टोमेटास दिन के टाइम पर नॉर्मली खुले हुए होते हैं या जिनके गार्ड सेल्स के दरमियान का गैप ज्यादा होता है और वो आराम से इन तीन मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इट डजंट मीन कि पूरे दिन में सिर्फ तीन ही करते हैं, फॉर वन टाइम डार्क रिएक्शन द 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर नीडेड। सो दिस इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स एंड द कैम प्लांट्स। So now, as I told you, the
an alternative pathway and it's a kind of a mechanism as well in those plants which normally and partially close their stomatas at the daytime. I repeat, C4 pathway जो है वो एक alternative mechanism का नाम भी है और C4 हम अलग से प्लांट्स को भी नाम दिया करते हैं. तो अगर किसी एरिया में जो प्लांट है अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उसे अपने स्टोमेटास नॉर्मली बंद कर देने पड़ते हैं. रीजन उसका क्या होता है? ताकि उसके अंदर से पानी ज्यादा से ज्यादा एवोपोरेट ना हो, वो अपने अंदर पानी को रखे, बिकॉज वी नो दैट वाटर इज वेरी मच नेसेसरी फॉर एवरी काइंड ऑफ द लिविंग सेल. फॉर दैट रीजन जो हमारे प्लांट्स हैं वो अपने स्टोमेटास को आहिस्ता आहिस्ता बंद करना स्टार्ट कर देते हैं. अब अगर उन्होंने ऐसा किया है तो वो बेशक अपने वाटर को बाहर जाने से तो बचा रहे हैं लेकिन उनको नुकसान ये हो रहा है कि CO2 का अमाउंट वो कम कर देते हैं, बिकॉज स्टोमेटास के अंदर जो गार्ड सेल्स खुले हुए सही से होंगे तो ही हमारे पास CO2 अंदर सही से आ पाएगी. एंड यू रिमेम्बर 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर नीडेड फॉर 1 नॉर्मल डार्क रिएक्शन. अब बात करते हैं कि C4 प्लांट जो है या ये जो अल्टरनेटिव पाथवे है इसमें होता क्या है. तो हमारे पास अगर हम बात करें कि C4 प्लांट्स जैसे शुगर केन वगैरह ये वो प्लांट्स हैं जो आमतौर पे भी अपने स्टोमेटास को पार्शियली बंद कर देते हैं, नतीजा उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो कम हो जाता है. तो ऐसे प्लांट्स के अंदर नेचुरली जो है वो एक और साइकिल चलना स्टार्ट हो जाती है. एक और चीज यहां पर मेंशन करने की है कि ऐसे प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनकी थोड़ी सी एनाटॉमी चेंज होती है. अगर आप एक नॉर्मल प्लांट के लीफ की एनाटॉमी को याद करें तो हमने डिस्कस किया था दैट द वेरी फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड द एपिडर्मिस, फिर उसके बाद कुछ एयर स्पेसेस आते हैं, फिर हमारे पास मेसोफिल सेल्स का एक कलेक्शन स्टार्ट होता है, उसके बाद हमारे पास कंपेनियन सेल्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स के बाद हमारे पास वेस्क्यूलर बंडल्स होते हैं और फिर यही दोबारा से रिपीट होकर लीफ का अगला साइड बन जाती है. लेकिन C4 प्लांट्स के अंदर जो है मेसोफिल सेल्स के साथ एक और किस्म के सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं बंडल शीट सेल्स. आई रिपीट इफ यू रिमेम्बर कि दिस इज कॉल्ड द एपिडर्मल लेयर एंड दीज आर कॉल्ड द मेसोफिल सेल्स. दीज आर कॉल्ड कंपेनियन सेल्स. This is called vesicular bundle, xylem and phloem. Is it done? This is the anatomy or this is the structure of those normal plants which do not close their stomata, but they used to open their stomatas at the wide angles to take a lot of carbon dioxide for their dark reaction. लेकिन इन प्लांट्स के अंदर जो C4 प्लांट्स हैं, जैसे शुगर केन हैं, इन प्लांट्स के अंदर मेसोफिल सेल्स के साथ जो इनके साथ दूसरे सेल्स की लेयर्स होती हैं उनको बोलते हैं बंडल शीट के सेल्स. फिर इन बंडल शीट के बाद जाकर इनके पास होती हैं वेस्क्यूलर बंडल यानी ज़ाइलम एंड फ्लोएम. तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास C4 प्लांट्स हैं उनमें जो डार्क रिएक्शन है वो बजाय मेसोफिल सेल्स के चलने के उनके बंडल शीट में चलता है. अगर आप C3 प्लांट को कंपेयर करें C4 के साथ तो उनके मेसोफिल सेल्स के अंदर ही लाइट रिएक्शन भी होता है और डार्क रिएक्शन भी होता है. लेकिन C4 प्लांट ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये दिस इज फॉर द C4 प्लांट्स जिनके मेसोफिल सेल्स के साथ ये है इनके मेसोफिल सेल्स और इनके मेसोफिल सेल्स के साथ बंडल शीट के सेल्स हैं. ये बंडल शीट के सेल्स जो है वो इनके पास इसलिए होते हैं क्योंकि C4 प्लांट के अंदर जो डार्क रिएक्शन है वो इनके मेसोफिल सेल्स में नहीं चलती बल्कि उनके बंडल शीट में चलती है. इन प्लांट्स के अंदर डार्क रिएक्शन से पहले एक और साइकिल चलती है जिसका नाम है पेप साइकिल, यानी मेसोफिल सेल्स में यहां इनके पास जो है वो लाइट रिएक्शन
थैलाकोइड में चलता है। थैलाकोइड के बाद इनके पास जो मेसोफिल सेल्स में डार्क रिएक्शन की बजाय एक और अल्टरनेट साइकिल चलती है, या कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए एक और साइकिल चलती है टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक और साइकिल है, C4 साइकिल, C4 प्लांट्स के अंदर चलती है। इसी का नाम दिया जाता है पेप साइकिल, दिस होल साइकिल इज कॉल्ड पेप साइकिल। अब अगर आप डार्क रिएक्शन को याद करें तो डार्क रिएक्शन में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया था RuBT के अंदर, और फिर वहां से बनने वाला जो मॉलिक्यूल था वो था हमारा G3B, एंड दिस G3B वॉज कैरिंग carbon 3। इसीलिए जो है आपने ऐसे प्लांट्स को नाम दिया होता है C3 प्लांट्स। अब आते हैं C4 प्लांट्स पर, इनमें एक कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए आ रही है बिकॉज उनके स्टोमेटास इतने ज्यादा नहीं खुले हुए जितने C3 प्लांट्स के खुले हुए होते हैं, तो इनके CO2 की अमाउंट कम होने की वजह से हम एक अल्टरनेट साइकिल चलाते हैं जिसका नाम पेप साइकिल। तो पेप साइकिल में क्या होता है, सबसे पहला जो मॉलिक्यूल है वो है पेपा फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड, दिस PEP मींस फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड। दिस मॉलिक्यूल इज कैरिंग 3 कार्बन एटम्स, और फिर इस 3 कार्बन एटम्स के साथ हम एक और कार्बन मिलाते हैं तो ये बन जाता है 4C मॉलिक्यूल, और उस मॉलिक्यूल के बनने को हम बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटेट और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। जिस तरीके से G3PC3 वाला मॉलिक्यूल है वैसे ही ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। तो साइकिल में बनने वाले पहले मॉलिक्यूल की बिना पर नाम दिए जाते हैं इनको एज C4 प्लांट। यानी आप देख रहे हैं कि यहां पर पहला बनने वाला जो मॉलिक्यूल है उसका नाम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, और उसमें पाए जाते हैं 4 कार्बन, इसीलिए इन प्लांट्स को हम C4 प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि इन प्लांट्स में लाइट रिएक्शन के फौरन बाद डार्क रिएक्शन नहीं चलता बल्कि पेप साइकिल चलती है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को इसी के आइसोमर में कन्वर्ट किया जाता है, और उस आइसोमर का नाम है मैलिक एसिड या मेलेट। ये भी कार्बन 4 कंटेनिंग मॉलिक्यूल है और ये भी कार्बन 4 कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके से हमने ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को, या प्लांट अपने ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करता है मैलिक एसिड के अंदर। अब मैलिक एसिड को किया जाता है डी कार्बो ऑक्सीलेट, यानी इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना चाहता है। तो जैसे ही मैलिक एसिड अपने आप को डी कार्बो ऑक्सीलेट करता है, मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है पाइरुविक एसिड के अंदर। फिर जो हमने अभी लाइट रिएक्शन से ATP बनाई है उसमें से ATP इस्तेमाल करके इस पाइरुविक एसिड को बनाया जाता है फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड, यानी इसके अंदर एक ATP से निकला हुआ फॉस्फोरस जो है इनऑर्गेनिक वो हम इसके अंदर ऐड कर देते, तो फिर ये पाइरुविक एसिड से कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड। दिस इज द सेम पाइरुविक एसिड, फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड के साथ पहले स्टेप में ऐड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है इसी की आइसोमर में, नाम है उसका मैलेट, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जो है डी कार्बोक्सीलेट होकर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिलीवर करता है। तो इस तरीके से हम इसको चलाते रहते हैं ताकि हमारे पास मेसोफिल सेल्स के बाद जो बंडल शीट के सेल्स हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ती रहे। तो जब यहां पर अमाउंट 3 हो जाती है, 3CO2 हो जाती है, तो फिर यहां पर डार्क रिएक्शन चलने के काबिल हो जाता है। इस तरीके से ये प्लांट जो है वो अपने अंदर जो शुगर बनाते हैं, स्टार्च बनाए या सिंपली हेक्सोज शुगर बनाए, जिस तरीके की भी शुगर बनाए वो अपनी डार्क रिएक्शन से बनाते हैं, और इनका डार्क रिएक्शन जो है वो बजाय मेसोफिल सेल्स में चलने के बंडल शीट के सेल्स में चलता है। मैं दोबारा कहूंगा
कि ये एक होने वाला नॉर्मल काम भी है, और अगर किसी प्लांट में टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से उसका स्टोमेटा बंद करना पड़े ताकि वो अपना पानी बचाए, तो फिर वो इस फिनोमिनल को एज एन अल्टरनेटिव मैकेनिज्म भी चलाया करता है ताकि वो अपनी डार्क रिएक्शन को कंटिन्यू कर सके। सो दिस इज इट विद द सी4 प्लांट। अब हम डिस्कस करेंगे कैम प्लांट्स। नाउ द थर्ड प्लांट, दे आर कॉल्ड द कैम प्लांट्स, दे आर आल्सो कॉल्ड सक्यूलेंट प्लांट बिकॉज ऑफ द रीजन दे हैव लार्ज वैक्यूल्स इन देयर सेल्स, एंड दीज प्लांट्स आर फाउंड इन दोज एरियाज जहां पानी की बहुत ही ज्यादा कमी होती है ड्यू टू द ड्राइनेस एंड ड्यू टू द वेरी हॉट टेम्परेचर। तो आपके जहन में डेजर्टिस प्लांट्स आ रहे होंगे, तो कैम प्लांट्स जो है वो हम इन प्लांट्स को नाम इसलिए देते हैं बिकॉज दिन के टाइम पर पानी को ज्यादा से ज्यादा बचाने के लिए ये अपने स्टोमेटास को बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। अगर स्टोमेटास वाइज बात करें हम, तो सी3 प्लांट्स अपने स्टोमेटास को काफी हद तक खोल देते हैं, तभी उनके अंदर जो है वो लाइट रिएक्शन के फौरन बाद डार्क रिएक्शन चलता है। सी4 प्लांट अपने स्टोमेटास को थोड़ा सा बंद कर देते हैं क्योंकि उनके यहां भी थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन का मसला होता है, लेकिन टेम्परेचर का इतना मसला नहीं होता। आप यूं भी कह सकते हैं कि अपने पानी को भी बचाने के लिए वो ऐसा करते हैं। फिर जो है हमारे पास तीसरे प्लांट्स आते हैं जिनका नाम कैम प्लांट्स हैं। ये अपने स्टोमेटास दिन को बिल्कुल भी नहीं खोलते क्योंकि इनको एक तो टेम्परेचर का सामना होता है, ज्यादा टेम्परेचर का, और दूसरा जो है वो इनकी अंदर से एब्जॉर्प्शन का रेट भी बहुत कम होता है। फिर ये क्या करते हैं, क्योंकि लाइट रिएक्शन तो लाइट से कंसर्न है, वो तो चलती रहेगी, अब ये बिल्कुल भी नहीं CO2 लेते, तो जैसे कि हमने लिखा है कि दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द नाइट, दिन हो या रात हो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे एनवायरमेंट में ऑल द टाइम मौजूद होती है, तो इसलिए ये अपने स्टोमेटास को और इनके अंदर जो गार्ड सेल्स हैं उनके दरमियान के गैप को रात के टाइम पे बढ़ा देते हैं। उनका रीजन इसका ये है क्योंकि दिन के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं खोलते, इफ दे विल ओपन देयर स्टोमेटास देन जो उनके अंदर का वाटर है वो उनके बाहर एवोपरेट हो जाएगा। रात को टेम्परेचर कम होने की वजह से ये अपने स्टोमेटास को रात के टाइम पे खोलते हैं और पूरी रात कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर इनटेक करके वो अपने ही अंदर मौजूद जो वैक्यूल्स हैं इन्हीं की वजह से इनको सक्यूलेंट प्लांट कहा जाता है बिकॉज दे हैव लार्ज वैक्यूल्स एंड दे स्टोर अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक वाटर लाइक मॉलिक्यूल्स, तो उन चीजों के अंदर गैसेस को भी स्टोर करने का एक जरिया है या एक तरीका है और वो है इनके बड़े वैक्यूल्स, तो इसीलिए इनको सक्यूलेंट प्लांट कहा जाता है। तो उन्हीं वैक्यूल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से वो रात के टाइम पर कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स बनाते हैं, एक या दो नहीं होते कुछ होते हैं। तो अब ये पूरी रात ये काम करते रहते हैं, कौन सा काम, क्योंकि लाइट तो है नहीं रात को, तो लाइट रिएक्शन तो होना ही नहीं है, इसलिए डार्क रिएक्शन अगर आप सोच रहे हो कि इनका रात को चलता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन दोनों एक साथ ही चल रहे होते हैं दिन के टाइम पर। ये वाले प्लांट्स जिनको हम लोग डेजर्टिस प्लांट या कैम प्लांट्स कहते हैं ये रात के टाइम पर अपने स्टोमेटास को ओपन करके CO2 को ज्यादा से ज्यादा इंटेक करके अपने अंदर ऑर्गेनिक एसिड सिंथेसाइज कर रहे होते हैं और उन एसिड्स को वो सारी रात जो है सिंथेसाइज करने के बाद स्टोर करते हैं अपने वैक्यूल्स के अंदर बिकॉज इनके पास ज्यादा वैक्यूल्स बड़े वैक्यूल्स हैं। जैसे ही दिन होता है जैसे ही सनलाइट पड़ती है इनके थायलाकोइड्स पे, तो थायलाकोइड पे सनलाइट पड़ने के बाद आपको पता है कि लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और लाइट रिएक्शन अगर स्टार्ट होता है तो ATP और NADPH बन जाता है, तो फिर उस टाइम पर जो इनके पास एसिड्स हैं जिनको नाम दिया जाता है क्रेसियुलेसियन एसिड्स, दीज आर द ग्रुप्स ऑफ द एसिड्स,
तो इसलिए जो है दिन के टाइम पर ये इनकी मेटाबॉलिज्म करते हैं या इनमें से डीकार्बोक्सीलेट करके रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और तीन एक दफा दे रहे होंगे ताकि एक दफा द क्रिएशन कर सके। इनको कैंप प्लांट्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज दिन के टाइम पर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल करते हैं, याद रखिएगा दिन के टाइम पर दे विल नॉट ओपन देयर स्टोमेटास टू कंजर्व देयर वाटर, फ्रॉम वेयर दे विल अवेलेबल द वाटर सर फ्रॉम अ काइंड ऑफ अ मेटाबॉलिज्म, एंड दिस मेटाबॉलिज्म इज नोन एज क्रेसिमुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। कि इस मेटाबॉलिज्म के बाद जो है केमिकल रिएक्शन के बाद जो ये प्लांट्स हैं वो CO2 को अवेलेबल करते हैं। अगर आपके जहन में हो कि क्या इनके पास भी बंडल शीथ जैसे सेल्स हैं, तो बंडल शीथ जैसे सेल्स हमारे पास सिर्फ C4 प्लांट में होते हैं, और उनके यहाँ जो है वो डार्क रिएक्शन उनके बंडल शीथ में चलता है। दे डू नॉट पजेस एनी काइंड ऑफ बंडल शीथ सेल्स, दे हैव नॉर्मल एनाटॉमी लाइक C3 प्लांट्स के, फर्स्ट ऑफ ऑल एपिडर्मल सेल्स, फिर मेसोफिल सेल्स, फिर उनके जो है ना वो कंपेनियन सेल्स के बाद बंडल शीथ के सेल्स। तो इनके पास डार्क रिएक्शन वहीं पर जो हो जाती है, सिर्फ फर्क ये है कि दिन के टाइम पर जो कार्बन डाइऑक्साइड डार्क रिएक्शन के लिए चाहिए होती है वो सी और कैंप प्लांट पर, कैंप प्लांट के अंदर ऑर्गेनिक एसिड्स को डीकार्बोक्सिलेट करके या एक पाथवे के जरिए से CO2 को निकाला जाता है। अगर बात करेंगे C4 प्लांट्स की, तो इनमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को मैलिक एसिड से निकालकर अवेलेबल किया जाता है। बात करेंगे इनकी, तो इनके अंदर आमतौर पर स्टोमेटास खुले होते हैं, सो दे डू नॉट नीड टू शट देयर स्टोमेटास, एंड दिस इज हाउ दे सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक स्टार्च और लाइक अदर मॉलिक्यूल्स। सो दिस इज इट विद द C3, C4 एंड C3 प्लांट्स। दोबारा कंपाउंड है C3 प्लांट्स मेजॉरिटी के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स हैं। C3 जो है इसलिए बोलते हैं उन प्लांट्स को क्योंकि उन प्लांट्स में लाइट रिएक्शन के बाद फौरन डार्क रिएक्शन चलता है, और उस डार्क रिएक्शन में बनने वाला पहला मॉलिक्यूल जो है वो C3 कंटेनिंग होता है, इसीलिए उन प्लांट्स को C3 प्लांट्स कहा जाता है। C4 प्लांट्स को इसलिए C4 कहा जाता है क्योंकि इनमें लाइट रिएक्शन के बाद जो केमिकल रिएक्शन चलता है उस केमिकल रिएक्शन में बनने वाला पहला मॉलिक्यूल ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, और वो चार कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, इसीलिए ऐसे प्लांट्स को C4 प्लांट्स कहा जाता है। कैंप प्लांट्स को इसलिए कैंप कहा जाता है क्योंकि वो दिन के टाइम पर इन एसिड्स को मेटाबोलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड को अवेलेबल करते हैं, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास डार्क रिएक्शन चलाने के काम आता है। तो ये आज का हमारा था लेक्चर, आई एम श्योर आपको समझ आया होगा। इसके बाद जो भी इसके अंदर जो भी सवाल आप वो आप पूछेगा मुझसे, यहाँ पर एक बात मैं मेंशन करूंगा कि फोटो रेस्पिरेशन का जिक्र